क्या फोग हो रही है यार। ये अभी बम फटेगा इसमें से, देखो ये अभी बारूद फटने वाला है। ये भाई इसका फोर्ट का सेकंड गेट, ये यहाँ का कैद खाना। हॉरर हॉरर मूवी का सीन लग रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और हम यहाँ सदाबहार में नाश्ता कर रहे हैं और आज हमारी रवानगी है कराची से खैरपुर के लिए। खैरपुर में कुछ स्पॉट्स हैं जिनको आज हम कवर करेंगे और मेरे साथ इस ट्रैवल में मौजूद हैं मेरे साथ मेरे दोस्त शर्जील भाई, मुनीब और मदर भाई। सुबह सुबह इनके अभी नाश्ता भी नहीं किया, आँखें नहीं खुल रही। तकरीबन 3:30 बजे आ गए थे ना मेरे पास, 3:30 बजे शर्जील भाई मेरे पास पहुँच गए थे और बस बाकी मेम्बर्स को पिक करते करते अभी हम लोग तकरीबन 6:05 हो रहे हैं। यहाँ नाश्ते के लिए ब्रेक लिया, नाश्ता का ऑर्डर किया हुआ है, नाश्ता आ जाएगा, नमाज़ पढ़ेंगे फजर की और ट्रैवल कंटिन्यू करेंगे। तो बस यहाँ से नाश्ता वगैरह कर लें तो फिर चलते हैं आगे, ट्रैवल स्टार्ट करते हैं और आज आपको खैरपुर की डेस्टिनेशंस विज़िट कराते हैं। ये भाई हमारा नाश्ता आ गया है और नाश्ते में हमने मंगवाए आमलेट, हाफ फ्राई और पराठे और दही। सुबह सुबह ये हमारे शर्जील भाई दही के शौकीन हैं और मदर भाई दही की लस्सी बनाने के शौकीन। नाश्ता आ गया, बस नाश्ता दिमाग की लस्सी वो तो रास्ते में बनेगी अभी, क्योंकि अभी तो सफ़र स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, तो हम नाश्ता स्टार्ट करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। ये भाई अभी हम लोग काजी अहमद को बाईपास करके दौड़ की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त रोमांटिक माहौल हो रहा है। खिड़कियाँ हमने खोली हैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही है खेतों से और बड़ा ही खूबसूरत माहौल है। दोनों तरफ हमारे मुस्तकिल खेत चल रहे हैं। बस एक मसला है इस रोड के अंदर कि यहाँ पे हर थोड़ी देर बाद एक जंप आ जाती है और कंजस्टेड रोड है, अदरवाइज़ बड़ा खूबसूरत रोड है। और पेट्रोल पंपों पे वॉशरूम भी नहीं है। हाँ, पेट्रोल पंप ही नहीं है और पेट्रोल पंप है तो वहाँ वॉशरूम नहीं है और सर्दी में ये बड़ा मसला रहता है। तो खैर, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है क्योंकि वो काजी अहमद से लेके नौशेरो फिरोज तक ना मैप के ऊपर बिल्कुल रेड लाइन आ रही थी। तो हमने कहा यार पता नहीं वहाँ पे किस वजह से कोई ट्रैफिक जाम है क्या है, तो हमने वो रिस्क नहीं लिया। हम उसके बजाय हम यहाँ बाईपास पे ऐसे यहाँ दौड़ वाले रास्ते से हम ये फैज़ महल की तरफ जा रहे हैं खैरपुर। तो ये अंदर का रास्ता है, अंदर का भी कुछ बेहतर हुई है रोड, तो इन्जॉय कर रहे हैं इसको, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। विलेज लाइफ फोग के अंदर खूबसूरत। यहाँ पे भाई बड़ी टाइट फॉग हो रही है और ये देखो बच्चे सुबह सुबह मदरसे जा रहे हैं सर्दी में काफले की सूरत में। खेतों पे भी यार चाहिए भाई, यहाँ तो बंदा रुकना चाहिए वैसे यार। क्लास का हो रहा है यार यहाँ पे, क्लास की फर्क है। हाँ लेकिन वो गाड़ियाँ ट्रैफिक का फ्लो चल रहा है ना, हमारी गाड़ी भी रुकी हुई और उसमें नहीं तो हम लाइटें ऑन कर सकते हैं, लाइटें ऑन, लेकिन ये मूड है तो रोक देते हैं 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। नहीं यार रिस्क ना लो, रिस्क ना नहीं है तो फिर रोक सकते। हैजर्ड्स ऑन कर देंगे, हेडलाइट ऑन कर देंगे। ये देखो यार नज़र भी नहीं आ रहा सामने से, ये देखो अभी आया नज़र। ओए होए ज़बरदस्त यार, जो फोग चाह रहे थे ना वो मिल गया हमें, माशाल्लाह ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त बेहतरीन हो गया। चलिए अभी यहाँ रुके हम लोग थोड़ा सा रास्ते में, अभी 1 किलोमीटर बाद दौड़ वाला रोड शुरू हो जाएगा तो उससे पहले यहाँ पे एक स्पॉट आ गया। मैंने कहा यार यहाँ पे रुकें, बहुत ही डेंस फोग हो रही है और जो ट्रिप का जो मज़ा है ना वो यहाँ से आना शुरू हो गया है। उफ ये चेक करें क्या फोग हो रही है यार, एक्सीलेंट। देखें थोड़ी देर के बाद जो है ना विजिबिलिटी नहीं है, वो देखो ओए होए होए सुभान अल्लाह। बहरहाल चिल मॉल हो रहा है, मज़ेदार ठंड हो रही है, एंजॉय वाली। और लेकिन इस तरीके की फॉग अगर होती है ना तो उसमें थोड़ा सा रिस्क भी ज़्यादा होता है, आपके एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ड्राइव जो है वो एहतियात से करने की ज़रूरत है। शर्जील भाई
इंजॉय हो रहा है बहुत ज़्यादा, सारी ट्रिप की। तो आज तो ये खैर हमारा फर्स्ट डे है और अभी इस वक्त सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं और रोड का हाल बिल्कुल फुल फॉगी हो रहा है और जिस तरह आगे बढ़ते जाएंगे ना ये उस तरफ ज़्यादा फॉग होगी मेरे ख्याल से डेजर्ट वाली साइड। हम दौड़ के करीब यार ड्रोन उड़ा रहे हैं हाँ उड़ा लेना यहाँ पे फिर काम होगा। हाँ हाँ फॉगी क्या पता अच्छा व्यू आ जाए पड़ते उड़ाएँ। ये भाई मदर भाई आप यहाँ पे आप काबू नहीं रख पा रहे अपने इमोशंस पे और ये ड्रोन उड़ाएंगे। चलो भाई ये छोटा सा स्टॉप लिया है जहाँ देखते हैं वॉशरूम वगैरह है वॉशरूम कर लें क्योंकि सर्दी में जो है ना बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। बस वॉशरूम जाते हैं और फिर आगे निकलते हैं गड्ढे में करते हैं ट्रैवल को। चलिए अभी हम यहाँ कोटडी जी खैरपुर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में हमें पहले कोटडी जी फोर्ट नज़र आया तो हमने कहा चलो पहले इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं फैज़ महल बाद में चलेंगे। तो अभी हम यहाँ पे कोटडी जी फोर्ट के बाहर हैं एंट्रेंस गेट पे अभी गाड़ी हमने पार्क की जस्ट और अभी यहाँ अंदर जाएंगे आपको कोटडी जी फोर्ट दिखाएंगे उसके बाद फिर यहाँ से हम जाएंगे मैरानो वाइल्ड लाइफ। मैरानो वाइल्ड लाइफ में ब्लैक बक्स हैं काफ़ी सारी तादाद में वो आपको दिखाएंगे और उसके बाद फिर फैज़ महल और फैज़ महल के बाद रात इंशाल्लाह हमारी लड़काना में है आज स्टे। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके आपको दिखाते जाएंगे मैं सेपरेट सबका व्लॉग बनाऊंगा। तो अभी इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे कोटडी फोर्ट पे तो चलते हैं पहले आपको कोटडी फोर्ट दिखाते हैं और फिर इसका एंड करेंगे इंशाल्लाह। ये भाई कोटडी जी का एंट्रेंस गेट पहले तो ये देखें छोटा गेट है और ये मेन बड़ा गेट है। चलो ये शुक्र है आज पब्लिक है यहाँ पे तो दोनों गेट खुले हैं और यहाँ पे तोप की मरम्मत हो रही है लगता है ये इसको काम में लेकर आने वाले हैं। ये सिंध का वाइट फोर्ट है जो बहुत अच्छी हालत में मौजूद है वरना इसके अलावा जितने भी फोर्ट्स हैं जैसे इस्लाम कोट फोर्ट है और आपका रनीकोट फोर्ट है ये सारे फोर्ट्स हैं काफ़ी और एक उमरकोट फोर्ट है। उमरकोट फोर्ट सबसे ज़्यादा बुरी हालत में जहाँ पे अकबर बादशाह की पैदाइश हुई थी तो ये वाला जो फोर्ट है ये माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हालत में है और इसको मेंटेन रखते हैं ये लोग। ये इसकी एंट्रेंस है ये हमारे दो सेहतमंद जवान अभी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेंगे तो पता चलेगा जवानी का। ये इस तरीके से ईंटों वाला ट्रैक बना हुआ है पूरा ट्रैक इसी तरीके से सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ हर चीज़। थर्ड गेट ये देखो भाई अभी तीसरा गेट यहाँ पे फोर्ट का आ चुका है डिफेंसिव पर्पस के लिए ये फोर्ट बनाए गए और हम टॉप पे भी पहुंच गए। ये आखिरी दरवाज़ा है और इसके साथ ही बस ये मेन ये टॉप ग्राउंड है ऊपर का और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हर जगह के आगे उसका निशानी लगी हुई है ये मस्जिद और सिपा सलार की मस्जिद है ये इसी तरह ये सोल्जर्स की शेड्स बने हुए ये किला पूरा वो वहाँ तक जा रहा है। तो ये है किला और ये 1785 में मीर सोहराब तालपोर ने इसको बनाया और काफ़ी पुराना किला है लेकिन अभी भी बेहतर हालत में। तो पहले उस तरफ वाली वॉल पे चलते हैं उस तरफ वाला जो टॉप मीनार है उसको एक्सप्लोर करते हैं और फिर उसके बाद वापस पीछे वाली साइड पे चलते हैं। फैमिलीज आई हुई हैं थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा इसके लिए। ये देखिए जी यहाँ पे ये पानी का टैंक बना हुआ है और ये वाटर लेवल्स के लिए इन्होंने बीच में पिलर डाले हैं ज़बरदस्त।
ये जी टॉप से व्यू यहाँ का, सुभान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है। ये देखें काजी अहमद के बाद से जो हमें फोग मिली है, तो स्टिल अभी तक इस वक्त 12:51 हो रहे हैं और अभी भी फॉगी वेदर हो रहा है। ये सारा नीचे खैरपुर का एरिया है। इस तरफ क्या है, यहाँ भी नीचे पूरी विलेजेस हैं, खजूर के बागात हैं। अभी सोच रहा हूँ एकदम अचानक मेरा ये हुलिया चेंज कैसे हो गया, अभी मफलर टोपा जैकेट वैकेट पहनी हुई थी, तो सुबह तो आपने देखा जैसे किस तरह ठंड हो रही थी, फोग वोग हो रही थी, तो अभी गाड़ी में एसी भी हमारा तेज़ चल रहा था, तो मुझे आइडिया नहीं हुआ कि बाहर कैसा मौसम होगा, लेकिन जब गाड़ी से उतरें तो ये रियलाइज़ हुआ कि भाई जब हम ट्रैकिंग करेंगे तो पसीने छूट जाएंगे, तो इसलिए मैंने अपना ये गर्म टोपा शोपा सारी चीज़ें उतार ली और अब ट्रैकिंग करेंगे। और है ठंडा मौसम, लेकिन ज़ाहिर है जब आप ट्रैकिंग करते हैं तो बर्फ़ के अंदर पसीना आ जाते हैं, तो ये तो अभी खैर इतना कोई ठंडा मौसम है भी नहीं, तो ये सीन है। मगर भाई हमारे ड्रोन उड़ाने में मसरूफ़ है, हम ज़रा अपोजिट कॉर्नर जब तक एक्सप्लोर कर लें। यार यहाँ अंदर चल के देखते हैं कि ये क्या बना हुआ है। हुई 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 हुई। ये देखें ज़रा, पूरी राहदारी बनी हुई अंदर तक। अभी इसका पर्पस क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन ये इस तरीके से यहाँ पे अंदर गुफा बनी हुई, गुफा। ये जी यहाँ का शाही तख्त जो बना हुआ यहाँ पे, खैर बोर्ड पे तो मिट चुका है, वहाँ पीछे लिखा हुआ था। वो उस कॉर्नर से हम लोग आ रहे हैं और बहुत ही नाजुक सूरत हाल हो चुकी है इसकी। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तो ये इतनी बुरी हालत नहीं थी इसकी, मेरी यहाँ पे पिक्चर्स भी हैं, इस पिलर के साथ मैंने खड़े होकर पिक्चर्स लिए हैं, तो लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा रिस्क पे आया हुआ है, क्योंकि देखिए छत नीचे बैठ रही है पूरी इसकी यहाँ से, तो इसीलिए इसको इतने डंडे छंडे लगा दिए। लेकिन बहरहाल कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए इन चीज़ों की, बुरा हाल किया हुआ। ये देखें यहाँ से, यहाँ पे ये छोटा सा पानी का पौंड है और विलेज है, थोड़ा ऊपर चलते हैं। ये लो भाई, ये बिल्कुल अभी हम अपोजिट कॉर्नर पे आ गए। इस किले को कहते हैं कि ये रोड़ी के जो रोड़ी हिल्स हैं उसके फुट पे बना हुआ है, तो जैसे कि आप ये पीछे देख सकते हैं ये जो पहाड़ी सिलसिला एक ये पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये रोड़ी हिल्स इसको कहते हैं, और यहाँ से फिर ये रोड़ी हिल्स का आगाज़ होता है। तो ये किला था खैर कोटडी जी का, डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में, जिसके हमने दोनों कॉर्नर्स आपको दिखाए, और काफ़ी चीज़ें खैर यहाँ पे भी तबाही का शिकार हैं, लेकिन स्टिल दूसरे किलों से ये काफ़ी हद तक बेहतर हालत में। तो इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, आई होप कि आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, और अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी मेहराना वाइल्ड लाइफ, तो उसको सेपरेट व्लॉग में आपको दिखाएँगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।